वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गाइस कैसे हो आप लोग कैसा चल रहा है जीवन गुड आफ्टरनून एवरीवन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेकार अरे बाप रे हमेशा <laughs> मुझे आदत है सुनने की बहुत अच्छा अमेजिंग ये वो आज बेकार क्यों भाई पढ़ाई पढ़ाई नहीं हो रही है अभी तो इनफैक्ट मुझे सुनना चाहिए था मतलब सुनने को मिलना चाहिए था आप लोगों से कि बहुत सही चल रहा है मैम मतलब बहुत मजा आ रहा है सोगा खत्म हो गया है कमनीज खत्म हो गया है दो दो वैलिडेशन खत्म हो गए हैं सेक्शन वाइज समरी भी आ गया वापस सो बहुत सही एकदम मस्त है ना आज पार्टनरशिप पैक खत्म हो जाएगा रिवाइज होकर मतलब और क्या ही चाहिए कल उसका सेक्शन समरी और चार्ट बना लेंगे तीनों यूनिट्स का तो वो वो वाली चीज होनी चाहिए ना मैम अभी सब्सक्रिप्शन ले सकता हूं क्या बिल्कुल ले सकते हो उसके लिए स्वाति टेन यूज कर लेना प्रोसेस मैं आपको बता दूंगी कैसे लेना है ठीक है करें स्टार्ट ओके okay, बढ़िया सो so, आज हम सबको पता है हमारा टारगेट है कि हमें पार्टनरशिप आप शुरू करके खत्म करना है बिफोर आई बिगिन दिस टॉपिक लेट मी गिव अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ आई एम स्वाति अग्रवाल आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी मैंने बी कॉम ऑनर्स भी किया है आई ऑल्सो कम्पलीट ए रोल एविल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ बीन एट प्लस यर्स दैट आई हैव बीन टीचिंग and with your एंड विद यव एंड योर सपोर्ट आई एमलीस ऑफ द टॉप एजुकेट ऑन दैडमीज प्लेटफॉर्म ठीक है ये है हमारी पूरी बाहुबली टीम जिसमें हर टीचर आपकी सीए की जर्नी को इतनी आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक टीचर आपकी सीए की जर्नी को आसान बना भी रहे हैं कि आपको पढ़ के समझ के बहुत ही मजा आ रहा है टेलीग्राम चैनल अगर आप में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो जस्ट join जौन दिस जनरल टेलीग्राम चैनल

पहले बता देती हूँ नहीं तो आई वॉज थिंकिंग टू एक्सप्लेन दिस टू यू एट दी एंड है ना बट अब पूछा है तो पहले बताना पड़ेगा तो अब यहाँ पर आ जाइए ये चल रहा है हमारा सेशन ओ माई गॉड यही बाकी था खैर एज ऑलवेज आधे लोग खैर अटेंडेंस लगाती नहीं है बच्चे यहाँ पर जब आप लोग आते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जिसमें एक है मेरा कम्युनिटी का लिंक उसको ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर भी मैं सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ कॉम्बैट का लिंक है अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो सब्सक्रिप्शन का लिंक है और मुझे लगता है इसको फ़िलहाल क्लिक कर लेना चाहिए जैसे आप ये सब्सक्रिप्शन वाले लिंक को क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे सीए फाउंडेशन के सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पे कि आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है या आइकॉनिक का प्लस में आपको अनलिमिटेड क्लासेस इंटरेक्टिव कोर्सेस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस लाइव टेस्ट क्विज़ेस ये सब कुछ मिलते हैं वहीं पर आपका में इन सब के अलावा मेंटरशिप सेशन प्रिंटेड स्टडी मटेरियल डाउट सॉल्विंग और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और अभी तो इवैल्यूएटेड सीरीज मिल रही है दोनों में ही ठीक है अगर हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस का तो हमें 12 मंथ्स पर 2 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं अभी तो आप स्वाति 10 कोड यूज करो अप्लाई करो और यहाँ देखो कि क्या 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 हो रहा है तो चौदह हजार चार सौ में चौदह महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है नेक्स्ट लेवल है यार मज़ा आ जाएगा इसी के अलावा अगर मैं आइकॉनिक की बात करती हूँ तो आइकॉनिक में भी पहली बार मुझे ये एक्सटेंशन का ऑफर दिख रहा है तो यानी कि चौबीस हज़ार तीन सौ रुपये में भी आपको चौबीस महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा वाह यार मतलब सही है फोर्टीन मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ट्वेंटी फोर थाउजेंड में और वो भी आइकॉनिक का मतलब इससे बेटर हो ही नहीं सकता कुछ ओके okay, मैम कॉम्बो में क्या है सो so, कॉम्बो के अंदर तो वैसे ही बहुत कुछ है थर्टी टू थाउजेंड एट फिफ्टी रुपीज़ में आपको पूरा सी ए फाउंडेशन ओवर इंटरमीडिएट का पूरा सिलेबस मिल रहा है और आइकॉनिक की अगर मैं यहीं पर बात कर लेती हूँ ना तो आइकॉनिक के अंदर ट्वेंटी फोर मंथस का सब्सक्रिप्शन अगर हम लोग लेते हैं तो प्रोसीड और हम इंटर करते हैं तो फिफ्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन रुपीज़ी सिक्स भी नहीं फिफ्टी फाइव थाउजेंड के आसपास में आपको क्या कुछ नहीं मिल रहा है भाई मतलब और क्या चाहिए और क्या ही चाहिए तुमको <laughs> तो इसी के साथ अभी के लिए बस इतना बहुत है हम लोग फटाफट अब हमारे सेशन पर चलते हैं और हम लोग एक एक करके एक एक करके तीनों यूनिट्स आज पढ़ के खत्म कर देंगे तो यूनिट वन टू और थ्री हमारे आज खत्म हो जाएंगे पार्टनरशिप एक्ट के और हमारा चार्ट मेकिंग और सेक्शन बेस रिविजन कल है ओके okay? जी हाँ जी हाँ तुषार तो होगी कंटिन्यू बीच में जब भी वो बीच में एक दिन का बफर मिलेगा ना तो उसके अंदर मैं आपका वो भी करवा दूंगी ओह क्या बात कर रहे हो आज तो खैर क्लास में बच्चे भी काफी हैं और मंत्री जी भी आए क्या बात है वेरी नाइस nice. अप्रोक्सीमेटली यस करें स्टार्ट मजा आ रहा ना ये सब चीजें देख के कलरफुल वाली फीलिंग आ रही है लगना चाहिए रे पूरा एक साथ में हम एक पूरा टॉपिक खत्म कर रहे हैं सो लेट हैव दैट फीलिंग ऑफ फिनिशिंग समथिंग यूज टुडे। ओके थैंक यू सो मच कशिश करें so, let, let oh, so much, करे शुरू अच्छा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है यार जाकर अपने सारे दोस्तों को भाइयों को बहनों को है ना बहनों के भाइयों को और भाइयों की बहनों को सबको जाके इन्फॉर्म कर दो कि हमारी क्लास चालू हो गई है पार्टनरशिप का पूरा स्टार्ट हो क्या बताऊ यशिका आपको अगर हम सिर्फ ये सेशन करें तो हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएगा और क्या बताना था Know, मुझे कई बार ऐसा लगता है मैं सारे मैसेजेस देख पाती हूँ या नहीं देख पाती हूँ कुछ चीजें मिस हो जाती है मे बी क्लास तब तक चलेगी जब तक हमारे टॉपिक खत्म नहीं होगा क्या यार भावना कशिश उठा नहीं सकते थैंक यू प्रधानमंत्री जी चलिए सो बिगिन द क्लास आई यू ऑल रेडी सबको ठीक से दिखाई दे रहा है सुनाई दे रहा है ऑल ओके ऑडियो वीडियो चेक बढ़िया बढ़िया अब आएगा मजा ठीक है कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम लगे जस्ट जस्ट अप ऑन द चैट मैं देखती रहूंगी बीच बीच में मैं आपको बता दूंगी हम इसमें क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे तो हम लोग बेसिकली प्रिंसिपलेशनशिप समझेंगे हम इस यूनिट में पहले यूनिट में ये देखेंगे कि पार्टनरशिप के असेंशियल्स क्या क्या है तो अगर मैं यूनिट वन की यहाँ पर बात करती हूँ सो वी विल गोइंग टू स्टडी दैट पार्टनरशिप इज नथिंग बट अ रिलेशन ये क्या है एक ऐसा रिश्ता है इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हुआ वेगरी टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस उन लोगों के बीच का रिश्ता जो कि बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए क्या है रेडी है सो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हुआ वेग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हुए एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल गुड तो ये डेफिनेशन से हम लोग क्या सीखते हैं हम इस डेफिनेशन से सीखते हैं पांच एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप ओके इसी डेफिनेशन में छुपे हुए हैं पार्टनरशिप के पांच एलिमेंट्स जिसमें पहला एलिमेंट है दैट इज इट इज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन दूसरा एलिमेंट पार्टनरशिप हमेशा एग्रीमेंट का रिजल्ट होती है तीसरा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए बनाई जाती है चौथा बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए होती है और पांचवा पॉइंट कहता है कि इट मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल और हम इसमें से हर एक पॉइंट को एक ही करके क्या करेंगे Elaborate करेंगे तो अब हमारा पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर दैट इट इज एसोसिएशन ऑफ और मोर पर्सन यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर ही पार्टनरशिप बना सकते हैं एक अकेला इंसान अगर चाहे तो एक सिंगल पर्सन अगर चाहे तो पार्टनरशिप नहीं फॉर्म कर सकता तो मैम ये दो पर्सन कौन हो सकते हैं कोई भी ऐसा पर्सन जो कि लॉ की, की नजरों में पर्सन है है ना एनी वन हु पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ दैट कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप सो एनी वन पर्सन इन द आईज ऑफ द लॉ वैसे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर क्या कर सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं बना सकते हैं पार्टनरशिप साइलेंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को लेकर के कि मैक्सिमम कितने लोग पार्टनरशिप का हिस्सा बन सकते हैं कम से कम दो बन सकते हैं तो हमें पता लग गया पर ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं उसका नंबर पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन नहीं है बट कंपनीज एक्ट ने अब उसको डिफाइन कर लिया है फिफ्टी पे सो कंपनीज एक्ट कहता है कि पार्टनरशिप फॉर्म में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं पचास के ऊपर पार्टनर्स नहीं हो सकते पचास के ऊपर हो गए तो तो वो इलीगल एसोसिएशन बन जाएगा और अगर वो इलीगल एसोसिएशन हो जाता है ना इफ 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 दैट विल बी एन इलीगल एसोसिएशन तो क्या होगा तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा तो यानी पचास के ऊपर नहीं होने चाहिए नंबर टू एग्रीमेंट पार्टनरशिप एक ऐसा रिश्ता है जो कि एग्रीमेंट की, की वजह से है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर की पार्टनरशिप होती है और ये जो वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर की जो पार्टनरशिप होती है या फिर ये जो वॉल्ट्री और कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का जो रिश्ता है इसी के ऊपर पूरी पार्टनरशिप डिपेंड की गई है हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है एम्प्लाइड भी हो सकता है ओरल भी हो सकता है रिटर्न भी हो सकता है उसको लेकर बहुत सारी फ्लेक्सीबिलिटी दी गई है ओके नेक्स्ट बिजनेस बिजनेस मतलब क्या बिजनेस का मतलब है एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन ठीक है और दूसरी चीज जब आप ये ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन में घुस रहे हो तो उसके पीछे पर्पस होना चाहिए प्रॉफिट एक्वायर करने का तो किसी भी तरह की अगर आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो तो उस कमर्शियल एक्टिविटी में क्या करना है आपका मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट को अर्न करने का नेक्स्ट एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार हम लोग जब कंट्री पार्टी करते हैं ना तो हम पिज्ज़ा ना छोड़ें तो बिजनेस का प्रॉफिट कैसे छोड़ देंगे कौन सा ऐसा पार्टनर होगा दुनिया का जो ये कहेगा कि मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ मैं उसमें पैसे तो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ पर मैं प्रॉफिट नहीं लूँगा अगर ऐसे लोग मिलते होंगे तो मेरे पास भी भेज देना बट ऐसे नॉर्मली कोई मिलते नहीं है

तो वो जो रेंट है ना वो जो रेंट है इज इट अ प्रॉफिट थिंग नो ठीक है सो इज इट अ पार्टनरशिप नो देन व्हाट इट इज इट इज अ ओनरशिप कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्लब या किसी भी तरह की पार्टनरशिप जो होगी जो फ्लोट होती है पार्टनरशिप में वो भी मतलब हम लोग मिलकर ना चैरिटी कर रहे हैं वेरी गुड पार्टनरशिप एक्ट में कवर नहीं है वो नेक्स्ट दो लोग मिलके सिर्फ कुछ कॉटन खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं और उससे कुछ प्रॉफिट अर्न हो जाता है इज इट अ प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी यस क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट वेरी गुड ग्रेट टू नो ग्रेट टू नो वेरी नाइस चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग और आखिरी चीज हमारे एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप की दैट इज बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम ऑल एक बहुत ही अच्छा रिश्ता दैट इज म्यूचुअल एजेंसी बिजनेस 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 बिज़नेस बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है और ये जो बिज़नेस है जब वो पार्टनरशिप में होता है तो उसके लिए बोला जाता है इट कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल हम लोग सब मिलकर भी कर सकते हैं और कोई एक जना कर सकता है हम सबके बिहाफ पर और उसमें कोई दिक्कत नहीं है आहा हां संजीवनी मैं लाइव हूं ओके <laughs> okay? तो हम लोग सब मिलकर भी कर सकते हैं और कोई एक जना कर सकता है सबके बिहाफ पर

प्रिंसिपल टू द एक्सटेंट द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर वो कब प्रिंसिपल है जब तक वो दूसरे पार्टनर के एक्ट को बाउंड नहीं करता है so, का क्या है इट इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी सो बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल ओके नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है के कामत कंपनी का जिसमें इन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग का एग्रीमेंट है लॉसेस भी बिजनेस के शेयर हो रहे हैं, बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है चाहे एक जना सबके बिहाफ पे बिजनेस कर रहा है ठीक है बिजनेस एक ही बंदा कर रहा है एक ही एक्टिव पार्टनर है बाकी सारों ने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो भी प्रॉब्लम क्या है यार जब उनको प्रॉब्लम नहीं है हम सब पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर और हम सब ने मिल सारे पावर्स भावना को दे दिए हैं हमें प्रॉब्लम नहीं है तो किसी और को क्यों प्रॉब्लम है भाई सो केडी डी कंपनी में बिल्कुल वैसा ही हुआ है यहाँ पर बैंक अकाउंट्स या जो बोरोइंग थी या जो भी काम होता था वट द एक्टिविटीज आर देर ऑल द एक्टिविटीज आर डन बाई ऑल द पार्टनर्स टूगेदर विच इज परफेक्टली फाइन और उनमें से एक पार्टनर थे केडी कामत तो वो एक्टिवली ये सारा काम कर रहे थे सारे पार्टनर्स उस पर ध्यान भी नहीं देते थे बट प्रॉफिट शेयर कर रहे थे हमारे पांच एलिमेंट्स देख लिए ओके मूविंग नंबर सिक्स मोड ऑफ पार्टनरशिप इसको हम लोग क्या ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं जी हाँ बिल्कुल अगर हमें ये चेक करना है कि कुछ लोगों के बीच में पार्टनरशिप है या नहीं तो हमें उनके तीन टेस्ट करने पड़ते हैं तीन एग्जाम लेने पड़ते हैं पहला एग्जाम कहता है कि इज देयर एनी एग्रीमेंट बिटवीन ऑल दार्टनर ये सोनो नंबर टू एग्रीमेंट प्रॉफिट शेयर करेगा बिजनेस का नंबर थ्री बिजनेस इज इट कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल तो बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल और इन तीनों को हम लोग अब डिटेल में देख लेते हैं सेक्शन नंबर सिक्स क्या कह रहा है so, सेक्शन नंबर कि पार्टनरशिप हमेशा एग्रीमेंट से क्रिएट होती है स्टेटस से नहीं पार्टनरशिप जो अराइज होती है वो कॉन्ट्रैक्ट से होती है स्टेटस से नहीं लाइक एच यू एंड वाइफ यहाँ पर दो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा उनकी आपस में म्यूचुअल होगी रिश्तेदारी नहीं है पार्टनर्शिप में पार्टनर्शिप में सिर्फ thought similar होने चाहिए तो कोई भी भी किसी का पार्टनर बन सकता है कि जो भी हम लोग करना चाहते हैं जिस चीज के लिए हम पार्टनरशिप करना चाहते हैं सबसे पहले तो उसमें एक होना चाहिए any kind of trading, any kind of service, कुछ तो कमर्शियल एक्टिविटी होनी चाहिए एंड उसका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ओके okay? सो so, जो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है ये बेसिकली कहता है कि भाई पे आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि आप ये चेक करो सेक्शन नंबर सिक्स में कि किस लिमिट तक किस लेवल तक है ना हमें ये टेस्ट करना है कि वेदर ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो साथ में मिलके काम कर रहे हैं क्या ये पार्टनरशिप है भी या नहीं अब इसके अंदर मैम एक प्रॉब्लम है पार्टनरशिप के अलावा और भी कुछ होती है क्या बहुत सारी होती है और एक एक करके हम वो भी डिस्कस करेंगे हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है हमें लगता है पार्टनरशिप है पार्टनरशिप की जगह ओनरशिप निकलती है हमें लगता है पार्टनरशिप है पर वो एसोसिएशन निकलती है हमें लगता है पार्टनरशिप पर वो कंपनी निकलती है ओके सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव अ चेक ऑन इट वेदर इट इज अ पार्टनरशिप और एजेंसी so, एग्जिस्ट करती भी है या नहीं म्यूचुअल एजेंसी को हम लोग कार्डिनल प्रिंसिपल बोलते हैं पार्टनरशिप का क्योंकि ये कंक्लूसिव एविडेंस होता है इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई इनके बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर जो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, अगर वो उसको पार्टनरशिप कह रहे हैं तो चेक करो कि हर एक पार्टनर क्या फर्म का प्रिंसिपल और एजेंट दोनों है मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक यानी कि अगर एक पार्टनर ने कुछ भी किया तो उसके लिए दूसरा पार्टनर लाइबल होगा और दूसरे ने कुछ भी किया तो उसके लिए पहला पार्टनर लाइबल होगा यानी हर एक पार्टनर एक दूसरे के एक्ट के लिए लाइबल होते हैं नेक्स्ट सो so, ये जो म्यूचुअल एजेंसी है जिसको हम कार्डिनल प्रिंसिपल कह रहे हैं फर्म के भी क्या सारे पार्टनर्स लाइबल होंगे एक दूसरे के लिए बिल्कुल लाइबल होंगे क्या सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्रिएट होगी हाँ जी बिल्कुल क्रिएट होगी और ये चीज कंफर्म हुई एक केस में जिसका नाम था शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेज डाजरन मुजम्मल इनकी पार्टनरशिप तो सुप्रीम कोर्ट को भी समझ नहीं आई कि भाई ये कैसी पार्टनरशिप है ओके okay?

उसने तुमको कैपिटल ट्रांसफर किया तुमने उसको कुछ कुछ तो होगा और जवाब मिलता है नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई ये कानून है और कानून हमेशा गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन देता है निर्णय देता है और यहाँ पर मुझे लगनी कि कोई भी सबूत है तो ये पार्टनरशिप नहीं है ठीक है तो ये कुछ भी है पर ये पार्टनरशिप तो नहीं है नेक्स्ट अब क्या हमारी पार्टनरशिप अलग अलग टाइप की पार्टनरशिप होती है या एक ही जैसी है पार्टनरशिप की क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं एक ही होती है सो पार्टनरशिप के कई सारे टाइप्स होते हैं है ना और उन कई सारे टाइप्स में से आ, हम लोग उसको डिवाइड करते हैं दो मेजर हेड्स में पहला हेड है उसके अंदर इस, विध रिगार्ड टू ड्यूरेशन और दूसरा है विध रिगार्ड टू एक्सटेंड ऑफ द बिजनेस ड्यूरेशन में मतलब क्या पार्टनरशिप हम बना रहे हैं पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं फिक्स पीरियड के लिए दूसरा कहता है हम पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं हमारी मर्जी है जब तक के लिए दैट इज टेन्योर सो पार्टनरशिप फर्म टेन्योर बेसिस पे ड्यूरेशन बेसिस पे दो टाइप की हो सकती है एक एट विल जब तक चलाना है चलाओ दूसरी फॉर फिक्स पीरियड जिसका कोई फिक्स्ड पीरियड हो कि हम लोग दो साल के लिए पार्टनरशिप करना चाहते हैं चार साल के लिए पार्टनरशिप करना चाहते हैं done, business, क्या वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है कोई पर्टिक्यूलर बिजनेस के लिए ही लोग मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं या फिर वो जनरल पार्टनरशिप है कि लोग इसलिए पार्टनर यानी पार्टनर इसलिए पार्टनरशिप में एंटर हुए कि हम कुछ भी बिजनेस करें हमें कोई रोके ना ओके सो पार्टनरशिप एट वेल अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर सेवन इट इज पार्टनरशिप व्हेन नो फिक्स पीरियड हैज बीन एग्रीड अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड देर इज नो प्रोविजन मेड एज टू डिनेशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि पार्टनरशिप एट विल कहती है कि ना तो पीरियड डिफाइन किया है और ना ही कोई कोई भी ऐसा प्रोविजन डाला है जिससे पार्टनरशिप का टेन्योर डिफाइन हो ओ वाओ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मंडे से दिव्यांशु ठीक है नेक्स्ट

where partnership is entered into fixed term is continued after the expiry of such term it is treated as having become a partnership at will to usko hum kya kehte hain usko hum partnership at will kehte hain partnership at will dissolve ho sakti hai by any partner by giving notice in writing koi bhi partner dissolve kar sakta hai written notice de to all other partners with his intention to dissolve the same तो सारे partners के साथ मिलकर partnership को definitely dissolve कर सकता है ओके नेक्स्ट पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड बेसिकली कैसा कॉन्ट्रैक्ट है पार्टनरशिप के ड्यूरेशन का जहां पर पार्टनरशिप क्रिएट होती है पर्टिकुलर पीरियड के लिए और वो एंड होती है वो पीरियड एक्सपायर होने के बाद सो so, ये क्या है ये कैसी पार्टनरशिप है जो फिक्स्ड टर्म के लिए होगी ये कैसी पार्टनरशिप है जो फिक्स टर्म खत्म होती क्या होगी खत्म हो जाएगी अगर नहीं खत्म होती है तो क्या ओके okay, हमने पांच साल के लिए पार्टनरशिप में एंटर किया था और पांच साल खत्म हो गए बिजनेस तो ऐसे केस में क्या होगा ऐसे केस में वो पार्टनरशिप और फिक्स पीरियड कन्वर्ट हो जाएगी पार्टनरशिप एट विल में अंडरस्टूड नेक्स्ट जनरल पार्टनरशिप इज कॉन्टीटेडिपर बन जाएंगे तो वो क्या है जनरल पार्टनरशिप भाई मन करेगा तो चाय का बिजनेस कर लेंगे मन करेगा तो एयरलाइंस का बिजनेस कर लेंगे समझ रहे हो एकदम तो सोच बड़ी बड़ी है तो हम लोग जो मर्जी चाहे वो बिजनेस अगर करना चाहे उसे हम क्या कहेंगे जनरल पार्टनरशिप मतलब मुझे स्टेशनरी का बिजनेस करना है मैं स्टेशनरी का कर लूँगी मुझे पेपर का करना है मैं पेपर का कर लूँगी मुझे प्लांट्स का बिजनेस करना है वो कर लेंगे और अगर कॉफ़ी का बिजनेस करना है तो हम वो कर लेंगे है मज़ेदार सो so, जब भी हम बात करते हैं जनरल पार्टनरशिप की तो जनरल पार्टनरशिप में कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं पर्टिकुलर ही बिजनेस करूँगी कोई भी बिजनेस कर सकती हूँ बट अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर पार्टनरशिप की तो वहां पर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है बिजनेस करने का उसी पर्पस के लिए लोग बिजनेस करते हैं उसके अलावा बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेते नेक्स्ट पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है ऐसा एग्रीमेंट जो कि ओरल भी हो सकता है जो कि रिटर्न भी हो सकता है मैं मैं यहाँ पे साइड में आपको देखने के लिए जगह दो दो मिनट के लिए तो एक ऐसा एग्रीमेंट जोरल हो सकता है जो रिटर्न हो सकता है ओके okay? एक ऐसा एग्रीमेंट जो रिलेशनशिप बताता है पार्टनर्स की एक दूसरे के साथ उनके राइट्स और ड्यूटीज बताता है और जोरल भी हो सकता है रिटर्न भी हो सकता है बट अगर पार्टनरशिप में अगर पार्टनरशिप में इमूवेबल एसेट कवर्ड है अगर पार्टनरशिप बिजनेस में इमूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल एसेट कवर्ड है तो उसके अंदर आपको रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी जो प्रॉपरली स्टैम्प्ड हो ओके नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए तो ये तो आपको अच्छे से याद है माई सेल्फ बचपन से हम ये चीज तो बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं सो पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म का नाम पार्टनर्स का नाम नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाई पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, प्रोविजन ऑफ सैलरीज प्रोविजन ऑफ एक्सपर्शन और आप चाहो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें एड और लेस कर सकते हो मम्मी का नाम पापा का नाम आपका नाम कहाँ रहते हो क्या करते हो स्कूल का क्या नाम है है ना कब आए थे धरती पे आगमन कब हुआ था भाई बहन कितने हैं अच्छा छोटा भाई है या बड़ा भाई है सारी सारी दुनिया की पंचायती मम्मी आपसे ज्यादा प्यार करती या पापा आप किस ज्यादा प्यार करते हो सो दिस इज दिस इज दिस इज वॉट द पार्टनरशिप डीड इज ऑल अबाउट आगे बढ़ जाऊं

इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट ही मस्ट गि ओके सो एक्टिव पार्टनर क्या है स्टार्टिंग से एक्टिव है बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है बिजनेस में पैसा भी इन्वेस्ट करता है ओके वो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन बिजनेस हु इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन बिजनेस और अगर ये बंदा रिटायर होता है तो उसको सबको बोलना पड़ता है कि अब मैं बिजनेस का हिस्सा नहीं हूँ क्योंकि सब इसके भरोसे बिजनेस कर रहे हैं नंबर टू इज स्लीपिंग पार्टनर और डोमेंट पार्टनर तो ये एक ऐसा पर्सन है जो एग्रीमेंट से तो पार्टनर है पर उसको बिजनेस में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं ही इज अ स्लीपिंग पार्टनर हमारा वो प्रोजेक्ट पार्टनर जिसको बहुत ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता है कि हाँ भाई जब मार्क्स लेने जाएंगे तो मेरे को साथ में खड़ा कर देना स्लीपिंग so, पार्टनर या डॉमिनेट पार्टनर वो पार्टनर है जो ऑब्वियसली प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करता है थर्ड पार्टी के लिए अलाइबल भी होता है अगर थर्ड पार्टी को पता है वो पार्टनर है तो पर वो रिटायर होता है तो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वैसे ही कोई नहीं जानता उसको ओके नेक्स्ट नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर जो फर्म को अपना नाम लेंड करता है है ना ही इज लेंडिंग हिज नेम टू द फर्म पर उसका एक्चुअली फर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको भी प्रॉफिट प्रॉफिट का शेयर नहीं चाहिए इसलिए वो उसे प्रॉफिट का शेयर मिलता भी नहीं है बिजनेस डिसीजन में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है बट ये बंदा थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होता है और जैसा मैंने बोला कि अगर बच्चे बिजनेस कर रहे तो माँ बाप ऐसा रोल प्ले करते हैं कि ठीक है ठीक है रिस्क मैं ले लेता हूं पर तुम जाके करो नेक्स्ट पार्टनर एंड प्रॉफिट ओनली सो एक ऐसा पार्टनर जो शेयर ऑफ प्रॉफिट लेता है टू शेयर ओनली दे आर नॉट फॉर द लॉसेस लॉसेस के लिए वो क्या है लाइबल नहीं है एंड लेबल टू थर्ड पार्टी फॉर ऑल एक्ट्स इन प्रॉफिट ओनली सो पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली बेसिकली एक ऐसा पर्सन है जो प्रॉफिट्स के लिए एंटाइटल है लॉसेस के लिए नहीं है और थर्ड पार्टी के लिए भी सिर्फ से प्रॉफिट से लेने के लिए एंटाइटल है भाई वो लॉसेस नहीं शेयर करता जस्ट लाइक माइनर्स ओके क्ष आप कर सकते हो बट आई विद से अभी आप लोगों का uh, एक लाइव टेस्ट ले लूंगी कुछ दिनों में तो उसमें आप लोगों को बहुत क्लैरिटी आ जाएगी वॉट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू आई थिंक दैट वुड हेल्प ठीक है नेक्स्ट माइनर इज बिलो एटीन ईयर्स संजीवनी आयु माइनर मतलब आप माइनर पूछो हाँ मतलब प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं ना दे आर आल्सो एट टाइम्स पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली वो कहते हैं भाई ठीक है तुम प्रॉफिट्स के लिए हमें ऐड कर दो पार्टनर ठीक है नेक्स्ट इनकमिंग पार्टनर एक ऐसा पार्टनर जो एक्जिस्टिंग फर्म में एंटर करता है एज अ पार्टनर सो दे आर नोन एज इनकमिंग पार्टनर तो उनका एडमिशन होता है एक्जिस्टिंग फर्म में आउटगोइंग पार्टनर एक चलती हुई फर्म को जो पार्टनर छोड़कर उतर जाता है दैट इज़ आउट गोइंग पार्टनर यानी अ पर्सन हु लीव्स द फर्म इन विच रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स कंटिन्यू टू कैरी ऑन बिजनेस वो बिजनेस करते जाएंगे कंटिन्यू करते जाएंगे और 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 खुशी अपनी वॉइस बढ़ा लो मुझे लग रहा है यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, है ना यहाँ मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम है सो यस सो एक ऐसे पार्टनर्स जो बिजनेस चल रहा है फिर भी उससे एग्जिट कर रहे हैं दे आर आउट गोइंग पार्टनर्स। सेक्शन नंबर टwenty eight सेस पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बेसिकली एक ऐसा पार्टनर है जो एक्चुअली पार्टनर ही नहीं है। ओ oh, मतलब वो सिर्फ दिखावा कर रहा है पार्टनर बनने का। यानी कि अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट

ठीक है तो ये लोग वो होते हैं जो एक्चुअल पार्टनर नहीं होते हैं, पर पार्टनर बनने की एक्टिंग करते हैं या तो खुद को पार्टनर खुद ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं या कोई और कहता है ना ये तो मेरा पार्टनर ही है और कुछ बोलते नहीं है और उस रिप्रेजेंटेशन की वजह से फर्म को, को कोई लोन मिल जाता है तो वो बंदा लाइबल होगा फर्म के वो वाले लोन को पे ऑफ करने के लिए समझ रहे हो किसी को कोई डाउट तो नहीं कोई क्वेरी तो नहीं ना वट हैपेंड एग्जैक्टली ये हो गया कि इसी के साथ आपका यूनिट नंबर वन खत्म है ना पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं द एग्जाम्पल सेज दैट एक्स और वाई पार्टनर partner है पार्टनरशिप फॉर्म के एक्स अपने मैनेजर को बिल्कुल पार्टनर की तरह इंट्रोड्यूस करवाता है जेड को ए भी कुछ बोलता नहीं है ना जेड ये सोच कर के ए भी पार्टनर है सौ टी वी क्रेडिट पर दे देता है जब पैसे लेने की बात आती है तो वो एक कोई नोटिस देता है और किसी पार्टनर को नोटिस ही नहीं देता ये कहता भाई मैं पार्टनर नहीं हूँ मैं तो मैनेजर हूं कहता, पर मेरे से तो तुम पार्टनर की तरह मिले हो अब मुझे पैसे तुम ही दोगे अब ए लाइबल होगा पेमेंट करने के लिए बाद में क्या ए रिकवर कर सकता है पैसे हाँ बिल्कुल कर सकता है पर वो अलग केस है वो पार्टनरशिप से रिलेटेड नहीं है ये पार्टनरशिप से रिलेटेड कंसर्न है ओके नेक्स्ट इसी के साथ हम लोग का यूनिट वन यहाँ पर ख़त्म होता है और अब हम चल रहे हैं यूनिट टू की तरफ और, और जो यूनिट टू है यूनिट टू के अंदर एस एव टोल्ड यू अर्लियर इस यूनिट को करने का सबसे अच्छा तरीका है ओके, सो यूनिट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सेक्शंस को मर्ज कर लो है ना एक एक करके एक एक करके सेक्शन को ग्रुप कर लो जैसे हमारा अभी पहला ग्रुप है जिसमें हम लोग अभी बात करेंगे दैट इज सेक्शन नंबर नाइन टू थर्टीन सेक्शन नंबर नाइन टू थर्टीन बेसिकली डिफाइन करेगा उन सेक्शंस को जो सिर्फ पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं सेक्शन नंबर नाइन कहता है जनरल ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर पार्टनर भाई मैं तो एक्सपेक्ट करूंगी कि वो फेथफुल हो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उसके पास है वो मुझे भी पता है ट्रू अकाउंट्स दिखाए तो ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट सेक्शन नंबर टेन सेक्शन नंबर टेन कहता है ड्यूटी टू इंडेम्निफाई फॉर द लॉसेस अगर पार्टनर की खुद की गलती की वजह से उसके फ्रॉड की वजह से अगर फर्म को लॉस हो रहा है है ना तो उस केस में क्या होगा उस केस में हर एक पार्टनर इंडेम्निफाई करेगा फर्म को फर्म के लॉस के लिए क्षतिपूर्ति पूर्ति करेगा लॉस को इंडेम्निफाई करेगा सेक्शन नंबर इलेवन सेक्शन इलेवन कहता है 11 वन कहता है दैट जो भी राइट्स और ड्यूटीज़ है पार्टनर्स की कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसके अंदर 11-1 वन से कॉन्ट्रैक्ट मे बी वेरीड बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बट कहीं ना कहीं जितने राइट्स और ड्यूटीज होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे जाते हैं वहीं पर 11 टू कहता है कि अगर एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि कुछ करने से रोक भी रहा है तो वो भी वैलिड है अगर सारे के सारे पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं तो अगर टू ट्रेड का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके लिए तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन ट्वेंटी सेवन ने भी एक्सेप्शन दिया हुआ है अगर सारे पार्टनर्स चाहें तो इस तरह का एग्रीमेंट ला सकते हैं मना नहीं है नेक्स्ट नंबर फोर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस दैट इज हर एक पार्टनर राइट right है बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का हर एक पार्टनर को राइट है ड्यूटीज को डेलीजेंटली परफॉर्म करने का ऑर्डिनरी मैटर्स जो बिजनेस से कनेक्टेड है उसका मेजोरिटी में डिसीशन लेना और सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेना एंड नंबर फोर हर एक पार्टनर को राइट है कि वो एक्सेस करे इंस्पेक्ट करे कॉपी ले बुक्स ऑफ अकाउंट्स की फॉर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ठीक है और उसके अलावा अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हेयर को भी ये सारे राइट्स मिल जाता है

नेक्स्ट बिजनेस पर्पज़ के लिए अगर कोई पार्टनर कोई भी पेमेंट करता है तो उस पेमेंट पे उसको सिक्स परसेंट इंटरेस्ट पर एनम देना पड़ेगा है ना दैट पर्सन इज एंटाइटल फॉर द सिक्स परसेंट इंटरेस्ट पर एनम इसके अलावा इसके अलावा यहाँ पे वो गायब हो गया मैं ऐसे ही बता देती हूँ पार्टनर ने अगर कोई भी इमरजेंसी में पेमेंट किया है फॉर्म के बिहाफ पे पार्टनर इंटाइटल है वो पैसे उसे वापस मिल जाए अगर फर्म ने कोई पेमेंट किया है पार्टनर के बेहाफ में तो फर्म भी एलिजिबल है कि वो वो पार्टनर से अमाउंट रिकवर कर ले ओके नेक्स्ट कमिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अंडर सेक्शन फोर्टीन है ना अभी हमारा पहला गोला खत्म हो गया है तीन से तेरह हमने पढ़ लिया नाइन से थर्टीन हमने पढ़ लिया है अब हम पढ़ेंगे 14 बहुत ही छोटे छोटे सिंपल सिंपल प्यारे प्यारे सेक्शंस हैं सेक्शन थर्टीन कहता है कि सॉरी सेक्शन फोर्टीन कहता है कि फॉर्म की जो प्रॉपर्टी होती है वो फर्म की प्रॉपर्टी होती है पर हम उसे जॉइंट स्टॉक कॉमन स्टॉक भी कहते हैं अगर क्लियरली कुछ मैंशन नहीं है तो प्रॉपर्टी कैन बी यूज बाई पार्टनर्स एज वेल एज फॉर्म हाउेवर जब वैल्यूएशन की बात आएगी जब डिफ्रेंसीएशन की बात आएगी जब कैटेगराइजेशन की बात आएगी तो उस समय फर्म के एसेट फर्म के होते हैं और पार्टनर के पर्सनल एसेट पर्सनल होते हैं यानी गुडविल फर्म का एसेट है पार्टनर का नहीं सेक्शन नंबर फिफ्टीन कहता है दैट फर्म की जो प्रॉपर्टी है फर्म के जो एसेट्स है उसको होल्ड करने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है हम पहले ही मेंशन कर दें कि ये फर्म के एसेट है वो एक्सक्लूसिवली फर्म के बिजनेस के लिए यूज है सो सेक्शन फिफ्टीन कहता है कि अगर वो एक्सक्लूसिव एसेट है फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस देन ऑल्सो इट इज वैलिड क्लियर इवन द गुडविल यस इवन द गुडविल अगर कोई एसेट पार्टनर का पर्सनल एसेट है तो वो भी पार्टनर कह सकता है कि भाई दिस इज माई एसेट फॉर्म का एसेट नहीं है ये दैट इज ऑल्सो कूल नेक्स्ट अगेन अगला पॉक्स क्योंकि ये दोनों अलग अलग है पर फिर भी मैं इनको साथ में ही देखती हूँ सिंपल है इनके साथ और कोई नहीं है सेक्शन सिक्सटीन जहाँ पर कहता है कि अगर कोई भी पार्टनर अगर पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर रहा है किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन से सो सपोज यू आर द पार्टनर ऑफ अ फर्म आई एम अ पार्टनर ऑफ द फर्म हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं और मैं उसमें से मेरा पर्सनल प्रॉफिट ले रही हूँ बाय एनी मैं किसी और के साथ कॉन्टैक्ट कर रही हूँ उसमें से कुछ अपना हिस्सा ले रही हूँ या फिर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फर्म का कि भाई मुझे कुछ गुड्स सप्लाई करना है और उसमें मैंने प्रॉफिट कमा लिया और मैंने बताया नहीं तो ऐसा कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट है या फिर कॉम्पिटेटिव बिजनेस करके वहाँ से कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं हम लोग तो वो हमें फर्म को वापस रिटर्न करना पड़ेगा ओके okay? क्या नवीन पानी भी नेक्स्ट

पार्टनरशिप बिजनेस कैरी ऑन हुआ है टर्म एक्सपायरी के बाद भी तो ऐसे में जो राइट्स और ड्यूटीज है पार्टनर्स की वो चेंज नहीं होती है सो सेड एंड डन पार्टनर्स की राइट्स और सेम रहती है चाहे कितना भी चेंज हो जाने तो यहाँ तक क्लियर है किसी को कोई डाउट तो सेक्शन नंबर नाइन टू थर्टीन फोर्टीन टू फिफ्टीन और सिक्सटीन और सेवनटीन हमारे हो गए हैं अगला क्या है अगला सर्कल है अठारह से बाईस का 18, 19, 20, 21, 22, ये साथ में पढ़े जाते हैं क्योंकि 18 है एक्चुअली इसके बाद के आगे के भी चार पांच सेक्शन में यही है ठीक है सो सेक्शन एटीन अगर समझ लिया ना किसी ने गहन अध्ययन कर लिया सेक्शन नंबर एटीन का आगे तो वही वो, वो बात रिपीट हो रही है पर हम फिर भी पढ़ेंगे सेक्शन एटीन कहता है कि हर एक पार्टनर फर्म का एजेंट भी है फर्म का प्रिंसिपल भी है और थर्ड पार्टी के लिए फर्म के बिजनेस के लिए वो फर्म का क्या है वो फर्म का एजेंट है यानी उसके किए गए हर काम के लिए पार्टनरशिप फर्म लाइबल होगी ठीक है किसी और पार्टनर के किए गए कुछ और काम के लिए भी फर्म फर्म क्या होगी लाइबल होगी नेक्स्ट एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर एज एन एजेंट ऑफ द फर्म सेक्शन नंबर नाइनटीन को अकेले नहीं पढ़ते हैं। हम लोग नाइनटीन वन हमेशा ट्वेंटी टू के साथ पढ़ा जाता है क्योंकि कहता है कि ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर अगर पार्टनर्स अपनी अथॉरिटी के अंदर रहकर कुछ भी डिसीजन लेता है वीडियो ओके बीच बीच में रुक रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं ना गणेश आप रिफ्रेश कीजिए या फिर एप क्रैश कर लीजिए मोबाइल पे अगर देख रहे होगे तो और दोबारा से ऑन कर लो ऑल गुड ग्रेट ग्रेट थैंक यू सो मच सो इंप्लाइड अथॉरिटी कहती है कि हर एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का क्योंकि एजेंट है सो वट एवर सेन वन अगर वो अपनी अथॉरिटी में रहकर कुछ भी करता है कोई भी डिसीजन लेता है तो उसके लिए फर्म बाइंड करेगी बट सेक्शन ट्वेंटी टू ने एक और क्लैरिफिकेशन लिया यहाँ पर और उन्होंने कहा इवन दो वो फॉर्म को बाइंड करेगा बट बट अंडर सेक्शन ट्वेंटी टू वो तभी बाइंड करेगा जब कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्म के बिहाफ पर एग्जीक्यूट होगा सो so, ऐसा नहीं कि जनरली कुछ भी हो जाए इट इज वेरी सिंपल फॉर्म के बिहाफ पे एग्जीक्यूशन होना जरूरी है लिखना जरूरी है कि आई एम साइनिंग दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म तभी जाकर ये पूरा ओके टू okay? कहता है कि वैसे तो आप सब कुछ कर सकते हो बट कुछ चीज़ें हैं जो पार्टनर्स नहीं कर सकते जो उनकी इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती है जैसे कि फर्म का कोई डिस्प्यूट चल रहा है उसको आर्बिट्रेशन में अपनी मर्जी से जाके सेटल करवा दिया फर्म के बिहार में बैंक अकाउंट खुला पर खुद के नाम से खोल लिया भाई बाकी के पार्टनर ये क्यों करने देंगे आपको कॉम्प्रोमाइज या रिलिंक्विश कर लिया किसी भी क्लेम को या पोर्शन ऑफ क्लेम को सूट को विड्रॉ कर लिया एडमिट कर ली लाइबिलिटी एक्वायर कर ली इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर्म के बिहाफ पर ट्रांसफर कर लिया इमूवेबल हाँ प्रॉपर्टी को फॉर्म के नाम पे या फिर पार्टनरशिप में एंटर कर लिया फॉर्म के बिहाफ पर ओके okay? तो अगर ऐसी कोई हरकत है तो दैट इज नॉट अलाउड अंडर नाइनटीन टू इन ऑर्डर टू बाइंग द फर्म एन एक्ट इंस्ट्रूमेंट डन और एग्जीक्यूटेड बाय पार्टनर और अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ़ फर्म शेल बी डन और एग्जीक्यूटेड इन फॉर्म नेम हमेशा ध्यान रखना कभी भी वो फर्म के नाम पर ही एग्जीक्यूट करना है ओके okay? तभी जाकर फॉर्म पे वो बाइंडिंग इफेक्ट आएगा तभी वो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप कंसिडर की जाएगी सो नाइनटीन वन और नाइन ट्वेंटी टू को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो पहली चीज़ हमें देखनी है क्या वो पार्टनर की अथॉरिटी के अंदर है और वो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है क्या ये नॉर्मल कंडक्ट का हिस्सा है और क्या जो डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर हुए हैं वो फॉर्म के बिहाफ पर हुए हैं अगर हाँ अथॉरिटी एप्लीकेबल है नहीं तो नहीं है अब हमें ये भी देखना है नाइनटीन टू में हमने देख लिया क्या क्या चीजों पे नहीं राइट होते हैं पार्टनर के पर हो राइट किस चीज में होते हैं प्रॉपर्टी खरीदने बेचने पर प्लेच करने में उधार लेने में गुड्स में ये सारे राइट्स हैं मनी बोरो करने में डेट्स लेने में डेट्स लेने में बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स साइन करने के लिए तो पार्टनर्स की कई सारी अथॉरिटी होती है जो जनरल नेचर की होती है ओके नेक्स्ट एक्सटेंशन एंड डिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स एम्प्लाइड अथॉरिटी सेक्शन नंबर ट्वेंटी कहता है कि कई बार जो कुछ पार्टनर्स होते हैं है ना कई बार कुछ पार्टनर्स होते हैं उनको अपने राइट right को एक्सटेंड करवाना पड़ता है

सपोज मेरा एक एग्रीमेंट शाहवास के साथ आ, एंटर हुआ है और मुझे पता है कि शाहवास का जो लिमिट है दैट इज़ ओनली फिफ्टी लैक्स और हमने कॉन्ट्रैक्ट एक करोड़ का कर लिया क्योंकि मुझे ये बात पता है ओके okay, तो इसीलिए इट इज़ नॉट देर दैट आई विल मतलब उसके लिए अब क्या होगा मैं फॉर्म मेरे लिए लाइबल नहीं होगी क्यों क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था उनकी कैपेसिटी के बाहर का अमाउंट है मेरी गलती मैंने वो एग्रीमेंट क्यों किया ओके okay? और अगर मैं तीसरा केस बताऊं उसके अंदर ऐसा है कि मुझे पता ही नहीं था पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कार्तिक के साथ और कार्तिक के साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें मुझे इनकी लिमिट के बारे में नहीं पता था ये कितने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या मैंने बहुत एकदम अच्छी तरीके से नॉर्मल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया है तो अब फर्म लाइबल होगी क्यों क्योंकि थर्ड पार्टी को नहीं पता कि पार्टनर्स के राइट्स कितने हैं ओके okay? नेक्स्ट यानी थर्ड पार्टी को पता है कि कल्प्रेट हो तो अलग बात है नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है सेक्शन नंबर दैट पार्टनर्स अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी ये तो वैसे हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं बहुत ही जनरल है ये कहता है विराट जब तक खत्म नहीं होता तब तक डेढ़ घंटे में भी हो सकती है दो में भी हो सकती है ढाई में भी हो सकती है सो सेक्शन नंबर ट्वेंटी वन कहता है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन में पार्टनर ने फॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कुछ भी अमाउंट पे किया है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो वो फॉर्म को बाइंड करेगा ओके वेन एवर पार्टनर पेज एनी अमाउंट तो वो अमाउंट बाइंड करता है फॉर्म को नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय पार्टनर सो एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय पार्टनर कंसर्निंग द फेस ऑफ द फर्म इज एविडेंस अगेंस्ट फर्म इफ़ इट इज़ मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर अगर पार्टनर कुछ भी ऐसा करता है है ना तो उस केस के अंदर वो फॉर्म को बाइंड करता है कोई भी एक्टिव पार्टनर करता है नॉर्मल बिजनेस में वो फॉर्म को बाइंड करता है एक्चुअली एटीन टू ट्वेंटी टू बोलना ही नहीं चाहिए एटीन टू ट्वेंटी सेवन बोलना चाहिए सारे एक जैसे सेक्शन है एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स है दोनों स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करते हैं जेड आता है कहता है मुझे मेरी बाइक में नया स्पेयर पार्ट चाहिए एक्स एक स्पेयर पार्ट निकाल के कहता है ये तेरी बाइक के लिए बेस्ट है

पोर में कुछ कहानी ऐसी होती है हाँ बोध पार्टनर्स वेरी गुड यू आर करेक्ट सो so, यहाँ पर ऐसा होता है कि तीन पार्टनर्स होते है। हैं तीनों सेकेंड हैंड कार का बिजनेस कर रहे होते हैं ठीक है चेके? यहाँ पे देखिए ये है हमारा एक्स ये हमारा वाई ये है हमारा जेड ये लोग बिजनेस कर रहे हैं बाइंग और रियली बैडर ड्रॉइंग पता नहीं क्या ही बन रहा है तो ठीक है थोड़ा थोड़ा कुछ कार जैसा है ओके okay? ठीक है so, ये end, कार खरीदने और बेचने का बिजनेस कर रहे हैं नाउ व्हाट हैपेंड ये जो जेड है ना ये से मिलता है और S इसको कहता है कि मैं तेरे तो को पुरानी कार बेच दूंगा जब जेड इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो उसको पता चल जाता है कि ये चोरी का माल है है ना और असली ओनर है इसका ए अब फिर भी जेड ले लेता है कुछ समय बाद ये आता है और ये कहता है ये कार तो मेरी है ये तो चोरी हो गई थी ये तो मुझे मिलनी चाहिए तो अब ये जो लॉस होगा इसको क्या अकेला जेड बियर करेगा आंसर इज नो ऑल थ्री पार्टनर्स विल बियर दिस ठीक है ओके okay. नेक्स्ट ये जो अगले तीन सेक्शन है ना पच्चीस से सत्ताइस सी एक सिंपल सी चीज समझो यार मुझे आप लोगों का पूरा एक्टिवनेस चाहिए अगर एक्टिव नहीं हो तो मेरे को बता दो मैं दो यूनिट खत्म करवा के भी बंद कर सकती हूँ Do you want to finish off all three units or not? As simple as that. Tell me, tell me. <laughs> wow, Ganesh. वाह क्या बात है भार्गवी कह रही है चुपचाप सब जाके मुंह धो के आ जाओ चुपचाप बैठ के पढ़ लो आज तो जब तक ये तीन यूनिट खत्म नहीं होते मैं हिलूंगी नहीं यहां से ऐसा कुछ <laughs> चलिए देखते हैं आप लोग पहले सो सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव कहता है कि uh, कोई भी पार्टनर लाइबल होगा जॉइंटली या सेवरली थर्ड पार्टी के लिए अगर कोई भी दूसरे पार्टनर ने कुछ भी किया है तो नंबर टू लाइविटी ऑफ फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर अगर किसी पार्टनर ने कुछ गलत भी किया थर्ड पार्टी के साथ और उसकी कोई पेनल्टी भी लगनी है पार्टनर को तो एक बार तो उसको पार्टनरशिप फर्म ही बियर करेगा बाद में अगर लगता है पार्टनर की ज्यादा गलती है तो वो पार्टनर से ले सकता है बट येस पार्टनरशिप फर्म लाइबल होगा पार्टनर्स के एक्ट के लिए नेक्स्ट सेक्शन नंबर ट्वेंटी सेवन लाइविटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स सो कोई भी पार्टनर अगर अपनी अपेरेंट अथॉरिटी में कोई भी पैसे रिसीव करता है कोई भी प्रॉपर्टी रिसीव करता है थर्ड पार्टी से और उसको मिस अप्लाई करता है ओके सो फर्म इन कोर्स ऑफ इट्स बिज़नेस रिसीव्स मनी और द प्रॉपर्टी फ्रॉम थर्ड पार्टी दैट मनी अगर इफ इट इज मिस अप्लाइड तो फर्म लाइबल होगा लॉस को गुड करने के लिए ठीक है वो थर्ड पार्टी लाइबल होगी उस लॉस को गुड करने के लिए नेक्स्ट कमिंग टू सेक्शन नंबर ट्वेंटी नाइन फाइनली कुछ अलग है ओके सेक्शन नंबर ट्वेंटी नाइन और थर्टी फाइनली कुछ अलग है एजेंसी से निकल के बाहर आ गए वापस हम लोग सेक्शन नंबर ट्वेंटी नाइन कहता है कि पार्टनरशिप का जो हमारा इंटरेस्ट होता है अगर आप एक पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर हो तो आपने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है फॉर्म में तो फर्म का तो वो कैपिटल है है ना आपके अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी फर्म के लिए तो लाइबिलिटी है पर आपके लिए तो आपका एसेट है क्या बात है मनीष ये सब क्या हो रहा है सत्तर दिन में एग्जाम है मुझे पता ही नहीं था चलिए नेक्स्ट सो राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट विच सेज कि जो भी ट्रांसफरी है पार्टनरशिप में वो ट्रांसफरी यानी कि अगर मैं पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूँ मुझे इमीडिएटली मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट बेचना है तो मैं किसी और को कैसे बेचूँ है ना मैं किसी और को बेचू मतलब मैं कह दूँ कि भाई मेरी जगह आप पार्टनर बन जाओ पर उस प्रोसेस में बहुत समय लग जाता है कभी कभी उस प्रोसेस में क्या होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और अननेसेसरी लॉसेस हो जाते हैं तो ऐसे में ऐसे में पार्टनर क्या कर सकता है अपना शेयर किसी ट्रांसफरी को दे सकता है उसको कह देगा कि भाई तुम बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो है ना तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का भी राइट नहीं है तुमको कोई राइट नहीं एज अ पार्टनर बट स्टिल अगर तुम तो मेरा शेयर ले लेते हो तो तुमको प्रॉफिट्स तो मिलेंगे और जिस भी दिन बिजनेस बंद हो गया डिजोल्व हो गया उस दिन तुमको तुम्हारा

इमीडिएटली वो क्लेम कर सकते हैं अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट का और अपने हिस्से के एसेट का विच इज ऑल्सो फेर इन क्लियर गायत्री इसमें मैं सिर्फ इतना बोलूंगी की करना तो ही और हो भी जाएगा इट जस्ट दैट डू नॉट लैक योर कॉन्फिडेंस यू विल डू इट एंड ऑब्वियसली यू विल आउटशाइन और मेहनत करते चलो काफी चीजें कॉमन है कवर हो जाती है दोनों के साथ मजा आएगा ट्रांसफरी वाला समझाऊं दोबारा ओके तो मान लो चांदनी एक पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर है उसको किसी भी हालत में भी पैसे चाहिए कोई और एसेट वो बेचना नहीं चाहती है तो वो क्या करती है वो आ, अविनाश को कहती है कि काम करो तुम तो मेरे पार्टनरशिप का हिस्सा रख लो और मुझे पैसे दे दो जैसे उसको पैसे मिल जाते हैं और अविनाश कहता है भाई मेरे को टाइम नहीं है मेरे को बिजनेस के डिसीजन मिस डिसन से कुछ लेना देना नहीं है तो देन चीज है कि वो वैसे भी नहीं करना है आपको सिर्फ आपका प्रॉफिट मिलता रहेगा ईयर एंड में और जिस भी दिन फर्म डिजोल्व होगी या पार्टनरशिप खत्म होगी उस दिन अलग से हिस्सा मिल जाएगा क्लियर

पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म एग्रीमेंट के थ्रू वो पार्टनर है ये एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनर है ही नहीं इसने तो सिर्फ इन्वेस्ट किया है बिजनेस में नेक्स्ट माइनर एनी पर्सन इज बिलो द एज ऑफ एटीन ईयर इज माइनर माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन नहीं हो सकता इसलिए किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर भी नहीं बन सकता है बट अगर सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं सारे पार्टनर्स का कंसेंट है किसी माइनर को फर्म का पार्टनर बनाने के लिए फॉर प्रॉफिट ओनली तो वो कर सकते हैं सो माइनर कैन बी द पार्टनर ऑफ द फर्म ओनली एंड ओनली फॉर द प्रॉफिट नॉट फॉर द लॉसेस माइनर को राइट right होता है प्रॉपर्टी में शेयर करने का प्रॉफिट्स जो फर्म के एग्री हुए हैं वो प्रॉफिट में से हिस्सा लेने का बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का बुक्स ऑफ अकाउंट मांगने का ये सारे राइट्स होते हैं माइनर के ओके okay? माइनर मे नॉट सुनर ऑन अकाउंट ऑफ द पेमेंट ऑफ हिज शेयर एंड सेव हिज़ कनेक्शन तो बेसिकली वो अपने का वैल्यूएशन करवा कर डेफिनेटली अपना हिस्सा ले सकता है कभी भी माइनर पार्टनर डिजोल्यूशन के टाइम डिजोल्यूशन से पहले भी ओके okay? नेक्स्ट जैसे ही माइनर मेजर बन जाता है जैसे ही माइनर मेजर बन जाता है उसके बाद उसको ऑप्शन देते हैं

वो दूसरे पार्टनर्स के अगेंस्ट केस कर सकता है और मेजॉरिटी के बाद वो डिसाइड कर सकता है कि उसे फॉर्म में पार्टनर बन के कंटिन्यू रहना है या नहीं लाइबिलिटीज़ क्या है मेजॉरिटी अटेंड करने के पहले क्या लाइबिलिटी है मेजॉरिटी अटेंड करने के बाद क्या लाइबिलिटी है सो so माइनर की कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है फॉर्म के डेथ्स को लेकर है ना मेजॉरिटी uh, अटेंड करने से पहले

ना ही वो किसी को कर सकता है ना ही कोई और उसको सू यानी कि उसके ऊपर केस कर सकता है हु समझ गए मजा आया नेक्स्ट थैंक यू पीयूष Coming to section number 31 to 35. ये एक अलग बास्केट है भाई अभी तक तो वैसे आपको बता देती क्या क्या हो गया 9 से एंड सोलह प्रॉफिट या सीक्रेट प्रॉफिट ना मतलब नो खतरा वट एवर चेंज है अठारह से लेके बाईस जिसमें आता है पार्टनर एज ऑफ द फर्म एम्प्लाइड अथॉरिटी देन उसके बाद में ट्वेंटी टू कहता है कि यस मोड ऑफ बाइंडिंग ट्वेंटी वन और ट्वेंटी आर एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन इन द पार्टनरशिप एंड बेसिकली ट्वेंटी वन इज अबाउट कि इमरजेंसी के केस में अगर पार्टनर ने कुछ भी पे किया है तो वो उसको रिफंड होगा ट्वेंटी एंड ट्वेंटी इफेक्ट ऑफ एक्टिंग पार्टनर And, uh, acting so basically, दोनों भी 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 यही कहते हैं कि भाई अगर और में ने कुछ भी किया है है उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो गया तो उसके लिए होगी ठीक फिर 25, 26, 27 पे ये भी एक बास्केट था याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग पर भी मैंने कहा था यार वही बात बोल रहे हैं कि फर्म लाइबल होगी फर्म लाइबल होगी फर्म लाइबल होगी एंड एग्जैक्टली exactly यहाँ वही बात हुई थी कि फर्म लाइबल होगी अगर पार्टनर्स कुछ भी करते हैं तो ट्वेंटी एट हमने यूनिट वन में पढ़ लिया था स्टॉपल ट्वेंटी नाइन ट्रांसफरी थर्टी माइनर और अब हम आ गए थर्टी वन से थर्टी फाइव की सीरीज में मज़ा तो आ होगा आप लोगों को क्योंकि सेक्शंस याद हो रहे हैं साथ साथ में है ना सैटरडे है तो शायद नेक्स्ट यूनिट टू में सेक्शन लीगलोडक्शन so, कहता है, है तो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो उसके लिए प्रॉपर वैल्यूएशन होगा एसेट्स और लाइबिलिटीज का एंड अकॉर्डिंगली वो अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए उतना शेयर ऑफ कैपिटल लेकर आएगा सो so, नए पार्टनर के राइट्स होते हैं कि वो आने वाली चीजों में डेफिनेटली एलिजिबल है कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए पर पुराना कुछ हुआ है तो उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा ओके okay? <laughs> कशिश हो जाएगा आपको भी लर्न बस सुनते रहो सुनते रहो ये जो मैं बोल रही हूँ वो बार बार बेटा पूरा एक्ट इम्पोर्टेंट है पार्टनरशिप में तो आप इम्पोर्टेंट निकाल ही नहीं सकते कल का सेशन और देख लेना चार्ट बनने के बाद समझ में आ जाएगा रिटायरमेंट पार्टनर सारे पार्टनर के कंसेंट के साथ रिटायर हो सकता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट चाहिए उसके लिए और अगर पार्टनरशिप एट विल है तो नोटिस देकर राइटिंग में बाकी के पार्टनर्स को अपना इंटेंशन टू तो रिटायरमेंट बताना पड़ेगा ओके ठीक है सो so, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लाइबिलिटी से थर्ड पार्टी के लिए जो भी उसने एक्ट किया उसके लिए और ये जो रिटायरमेंट है एग्रीमेंट के अंदर होगा और नॉट विथ स्टैंडिंग द रिटायरमेंट द पार्टनर फ्रॉम द फर्म ही एंड द पार्टनर कंटिन्यू टू बी लाइबल टू द थर्ड पार्टी तो ये पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए लाइबल रहेगा ओके नेक्स्ट सेक्शन नंबर थर्टी टू सो हमने थर्टी वन में बात कर ली थी एडमिशन की थर्टी टू में वी आर टॉकिंग अबाउट रिटायरमेंट अब मैम रिटायरमेंट अगर कोई पार्टनर लेता है तो क्या उसको अपना प्रॉफिट मिलेगा बिल्कुल अक्यूमलेटेड प्रॉफिट मिलेगा क्या उसको उसका कैपिटल मिलेगा जी बिल्कुल मिलेगा उसको टाइम देना पड़ेगा फर्म को पर मिलेगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था विष्णु चंद्र वर्सेज चंद्रिका प्रसाद का, का जिसमें पार्टनर कहता है कि क्योंकि मैं फर्म से रिटायर हो रहा हूँ तुम तो फर्म भी बंद कर दो ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर ऑब्वियसली रिटायरमेंट के बाद भी फर्म में दो से ज़्यादा पार्टनर बच रहे हैं वो दो दो से ज्यादा पार्टनर जो हैं दो या दो से ज्यादा जो पार्टनर है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं फर्म को कोई नहीं रोक सकता बस ये ध्यान रखना जो आउट गोइंग पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी होती है कि वो पब्लिक नोटिस दे दे नहीं तो वो लाइबल रहेगा बाद तक भी नेक्स्ट सेक्शन नंबर थर्टी टू मुझे बड़ा थर्टी थ्री uh, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है दैट इज एक्सपल्शन निकालना तो क्या पार्टनर्स मिलके दूसरे पार्टनर को निकाल सकते हैं जनरली नहीं है ना क्यों निकालेंगे यार सबका पावर सबका अथॉरिटी तो सेम है बट अगर एग्रीमेंट में ये पावर है पार्टनर्स के पास कि वो कभी भी किसी और पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हैं मेजोरिटी में डिसीजन लेकर तो कर सकते हैं ठीक है सो द पावर ऑफ एक्सपर्शन मस्ट बी एक्सरसाइज इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए द पावर हैज बीन एक्सरसाइज बाय मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स एंड इट हैज बीन एक्सरसाइज इन गुड फेथ तो अच्छे फेथ में होना चाहिए मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स का ये डिसीजन होना चाहिए गुड फेथ में होना चाहिए तब जाकर ये अलाउड होगा तो so, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो प्रॉब्लम है सो so, एक्सपल्शन क्या होना चाहिए फॉर्म के इंटरेस्ट में होना चाहिए नोटिस पीरियड मिलना चाहिए और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी मिलना चाहिए तो हम कहेंगे गुड फेथ में है इट इज़ अ वैलिड एक्सपल्शन अभी एग्जाम्पल देखना क्योंकि ये बेस्ट एग्जाम्पल है फर्स्ट पॉइंट एक बार और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सपेल करने का पावर होना चाहिए नंबर टू मेजॉरिटी से डिसीजन लेना चाहिए नंबर थ्री गुड फेथ में होना चाहिए गुड फेथ मतलब क्या आपको देखना है कि क्या ये पार्टनरशिप फर्म के लिए बेनिफिशियल है इस पार्टनर को निकालना अगर हाँ तो आपने क्या पार्टनर को नोटिस दिया कि तुम तीन महीने बाद निकाले जाओगे या फिर क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हट दी अगर ये सारे आंसर येस yes है तो तो प्रॉब्लम नहीं है पर अगर इसमें से कोई भी आंसर नो no है ना तो इसका मतलब गुड फेथ में नहीं हुआ है वो एक्सपर्शन वैलिड एक्सपर्शन नहीं है और इसको देखने के लिए मैं कहूँगी भाई एग्जाम्पल बहुत ही सही है तीन पार्टनर्स थे एबीसी तीनों की आपस में अच्छी बनती थी इन तीनों की मैं जानबूझ के हटी हूँ ताकि आप लोग पढ़ सको इनकी जो वाइफ्स है वो एक ही क्लब में जाती थी ए और बी की वाइफ के बीच में झगड़ा हो जाता है और एक की वाइफ को काफ़ी चोट आ जाती है ए बड़ा गुस्सा हो जाता है तो वो बी को कन्वेंस कर देता है कि चल अपन दोनों मिलकर बी को निकाल लेते हैं सी एग्री करता है और ए और सी इमीडिएट इफेक्ट से बी को निकाल लेते हैं क्या ये वैलिड एक्सपल्शन है आंसर इज नो ना तो नोटिस दिया ना ही फर्म को लेकर कुछ फायदा या नुकसान है ओके सो देर इज नो पॉइंट क्या आप रिमूव कर दो एक पार्टनर को ऑन सच बेसिस सो इट इज नॉट वैलिड क्लियर नेक्स्ट इनसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर वेयर अ पार्टनर इन द फर्म इज एडजुडिकेटेड एज इनसॉल्वेंट कभी अगर फर्म में पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाता है इमीडिएटली वो पार्टनर नहीं रहेगा ओके okay? सो so, डिजोल्व करना है फर्म या नहीं डिजोल्व करना है तो पार्टनर्स का डिसीशन है पर जैसे ही क्या हो गया हाँ तो फर्म को डिजोल्व करना है या नहीं करना वो तो पार्टनर्स का आपसी डिसीशन है बचे हुए पार्टनर्स का आपसी डिसीशन है बट अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है इमीडिएटली वो पार्टनर तो फर्म का हिस्सा नहीं रहेगा सो द मोमेंट ही इज एडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट बी पार्टनर ऑफ द फर्म he ceased to be the the partner partner from the very date of adjudication made estate estate firm firm liable liable एक दूसरे से कुछ मतलब नहीं है and normally जब भी कोई partner insolvent हो जाता है ना एक बार हम firm को बंद ही कर देते हैं क्योंकि होती है इसलिए okay? next death death के केस में क्या होगा डिजीज पार्टनर का जो लीगल हेयर है वो uh, क्या उसको पेमेंट मिलेगा मिलेगा तो कैसे मिलेगा दैट द होल प्रोसेस पर बिफोर आई प्रोसीड अहेड मैं ये समझाऊँ आपको ये क्वेश्चन ध्यान से देखना कि एक पार्टनर था एक्स जो कि फर्म का पार्टनर था उसने जब तक वो जिंदा था तब तक कुछ गुड्स ऑर्डर करी बट उसकी डेथ के बाद वो गुड्स पहुंची ओके okay? अब बाकी के सर्वाइविंग पार्टनर ने वो गुड्स ले ली उसको यूज कर लिया अब जो गुड्स का सप्लायर है वो जो एक्स की जिसकी डेथ हुई उसके लीगल हेयर के पास जाके कहता है तुम पैसे दो तो मेरे को बाकी के लोग तो पैसे दे ही नहीं रहे तो डू यू थिंक इट इज वैलिड आंसर इज क्रिस्टल क्लियर नो इट इज नॉट वैलिड है ना क्योंकि जब तक तो तक वो जिंदा था तब तक थोड़ी गुड्स आई उसके बाद गुड्स आई सो दिस इज रॉन्ग नेक्स्ट राइट ऑफ आउट गोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस अंडर सेक्शन थर्टी सिक्स कोई भी अगर आउट गोइंग पार्टनर है जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है फर्म के कंपटीशन में तो हमें ध्यान रखना है कि वो फर्म का नाम यूज ना करे ही शुडेंट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म ना ही वो सॉलिसिट करे टू बी यूजिंग द फर्म्स नेम तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है सो so, जो भी बंदा अगर फर्म को छोड़ रहा है वो ना तो फर्म का नाम यूज करेगा ना ही कस्टमर्स को सॉलिसिट करेगा यानी कस्टमर्स को अपने तरफ लेकर आएगा ना ही कॉम्पिटेटिव बिजनेस करेगा ओके नेक्स्ट राइट ऑफ आउट पार्टनर इन 13 केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट बे आर बहुत ही सिंपल सी चीज है हम फॉर्म छोड़ के जा रहे हैं रिटायरमेंट हो रहा है चाहे एक्सपर्शन हो रहा है चाहे ठीक है किसी की डेथ हो गई है और उसका लीगल हेयर है तो उस केस में कुछ राइट्स क्या उस बंदे को है शेयर वो कर सकता है प्रॉफिट आंसर इज यस अनलेस अदरवाइज पेमेंट इज मेड जब तक पूरा पेमेंट नहीं किया जाता है वापस से तब तक यस इट कैन हैपन सो कोई भी मेंबर कोई भी फर्म का पार्टनर अगर उसकी डेथ हो जाती है और जो सर्वाइविंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर है जो बिजनेस को कैरी ऑन करना चाहते हैं विदाउट एनी सेटलमेंट देन

ध्यान से सुना आप लोग मुझे जानते हो और आपको पता है कि अगर मैं बिज़नेस कर रही हूँ तो उस बिज़नेस में लॉस होने के चांसेस कम है और इसीलिए आप मुझ मेरे गारंटर बन जाते हो और आप मेरे को क्या करते हो कंटिन्यूइंग गारंटी देते हो कि अरे आपको जो भी जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है आप हुईए हमारी गारंटी आपके साथ है मैं भी खुश आपको भी प्रॉब्लम नहीं आफ्टर सम टाइम मैं फर्म से रिटायर हो जाती हूँ अब मुझे बताओ इवन आफ्टर आई गॉट रिटायर डू यू थिंक के आप गारंटी कंटिन्यू रखोगे टेलमी आपको लगता है आप गारंटी कंटिन्यू करोगे बाकी पार्टनर्स को थोड़ी जानते थे तो हम क्यों गारंटी दे अभी कोई भी ये बोलेगा ना तो ऐसे केस के अंदर जैसे ही फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है वैसे ही कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हो जाती है इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस कि कंटिन्यूंग गारंटी खत्म हो जाएगी आर वी गुड विद दिस ओके सो फाइनली गाइस हम उस पोजीशन पे आ गए हैं जहां पर हमारा यूनिट नंबर टू भी खत्म हो गया टेल मी योर कैपेसिटी कैन आई कंटिन्यू विद यूनिट नंबर थ्री करें हम लोग यूनिट थ्री के साथ कंटिन्यू अब मज़ा है वाह <laughs> चलो ठीक है थॉमस आपको मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो फाइनल रिविजनरी सेशन होंगे और जो राइटिंग सेशन होंगे ना मेक श्योर यू अटेंडेड उसमें आपको आइडिया लग जाएगा Let me tell you, cannot leave anything. एक एक एक्ट 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 में में से आप सोचो कितना तो है, एक -एक में पंद्रा -पंद्रा तो है, पर एक-एक आपका मार्क्स का क्वेश्चन बनते बैक टू यूनिट नंबर थ्री जो तीन ही हिस्से मोड ऑफ इफेक्टिंग रजिस्ट्रेशन कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्म को रजिस्टर कैसे करना है फिफ्टी एट में याद आया सोचो तो सेक्शन फिफ्टी एट कहता है कि फॉर्म को रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्ट्रार के पास एक फॉर्म भरना पड़ेगा फीस देनी पड़ेगी इन सारी डिटेल के साथ जिसमें फर्म का नाम बिजनेस का प्लेस आ, कोई और ब्रांचेस हो तो उसका नेम और प्लेस डेट वेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म परमानेंट एड्रेस पार्टनर्स का फॉर्म का ड्यूरेशन ये बेसिक इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है जब ये सारी इंफॉर्मेशन सबमिट हो जाएगी तो जितने भी पार्टनर है हर एक पार्टनर को डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है और साइन करना है और उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसका ख्याल रखना है कि नाम में आप एम्प्रेस क्वीन एम्पायर ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हो या फिर ऐसा कोई भी वर्ड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है नहीं यूज करना चाहिए वो भी आप यूज नहीं कर सकते हो ठीक है फिफ्टी नाइन कहता है जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर देते हो उसके बाद में रजिस्ट्रार ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है और उसको सब कुछ अगर ठीक लगता है तो वो इमिडिएट बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कर लेगा ओके तो रजिस्ट्रेशन वो कैसे करता है अपने रजिस्टर में फर्म का नाम लिख देगा और एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी जी हाँ अगर आप रजिस्ट्रेशन टाइम पर नहीं करते हो तो अरे यार पर एक प्रॉब्लम है पहले भी पूछा था हमारे यहाँ तो रजिस्ट्रेशन करना ही ऑप्शनल है तो पेनल्टी किस चीज की लगाएंगे कोई डॉक्यूमेंट सबमिशन में अगर डिले कर दिए है तो पेनल्टी लगती है नहीं तो नहीं लगती है ओके नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन हमने तो सुना था कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है याद है ना हाँ सौ रुपए की पेनल्टी वो भी एक पूरे साल भर की <laughs> हमने तो सुना था कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या ही होगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो ऑप्शनल है तो अगर नहीं भी कराएंगे तो क्या होगा इट विल गोइंग टू बी अ वैलिड पार्टनरशिप फॉर्म फॉर श्योर सो नाउ इंग्लिश लॉ में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है तो ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन बहुत कंपलसरी है हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन ही कंपलसरी नहीं है तो कॉन्सिक्वेंसेज की जनरली जरूरत नहीं पड़ती बट स्टिल वी शुड नो कि रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो एक्स्ट्रा क्या होगा और रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो क्या क्या नुकसान होगा जिसमें से पहला नुकसान है

हम थर्ड पार्टी के केस नहीं कर सकते हम सेट ऑफ का क्लेम नहीं ले सकते नहीं ले सकती थर्ड पार्टी फर्म को फिर भी सू कर सकती है मतलब हम बाकी के पार्टनर्स के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हम थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हम सेट ऑफ नहीं कर सकते थर्ड पार्टी हमारे अगेंस्ट केस कर सकती है फिर ये लोग बोलते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है साफ ही बोल दो ना ऑप्शनल नहीं है क्या कर सकते हैं फिर है थर्ड पार्टी को कि वो हमें सू करे राइट है पार्टनर्स को कि वो फॉर्म को डिजोल्व करवा सकता है और ऑफिशियल असाइन या लिक्विडेटर आके सारे काम कर सकता है और और और, और, और सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते हैं सौ से ऊपर का कोई दिक्कत नहीं है एडमिशन हो जाता है नए पार्टनर का तब री रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है ओके यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन और कॉन्सिक्वेंसेस हो गया क्या हम चले डिजोल्यूशन पे I know, जी साथ? पहले साथ पर की वैल्यू शायद बहुत ज़्यादा थी। क्शन थर्टी नाइन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज पार्टनर्स मिलकर अगर फॉर्म डिजोल्व करें तो फर्म का है, ठीक है सो ऑफ पार्टनरशिप और डिजोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है कि अगर सिर्फ पार्टनरशिप डिजॉल्व हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा एडमिशन डेथ रिटायरमेंट में होता ही है पर डिजोल्यूशन ऑफ फर्म अगर है मतलब सब खत्म सो कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस इट इन्वॉल्व कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस इन पार्टनरशिप डिस्कटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस इन पार्टनरशिप डिजोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस ही खत्म हो गया ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू रहता है सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन होता है नंबर टू डिशन ऑफ फर्म इन्वॉल्व करता है However, में सिर्फ वगैरह होता है फर्म मे बी डिजोल्व बाय द कोर्ट पार्टनरशिप को डिजोल्व करने के लिए किसी के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए बस

विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कैसे होता है नंबर वन मे बी डिजोल्यूशन बाई एग्रीमेंट सारे पार्टनर्स की कंसेंट है और एग्रीमेंट में कोई पर्टिकुलर डेट मैं उस एग्रीमेंट के हिसाब से भी dissolve हो सकता है पार्टनरशिप फॉर्म नंबर टू कंपल्सरी रेजोल्यूशन कई बार फॉर्म एक ऐसे बिजनेस को कैरी ऑन कर रही है जो बिजनेस ही बंद हो गया बिजनेस ही इलीगल हो गया है तो ऐसे केस में भी फॉर्म को बंद किया जा सकता है फॉर ट्रेडिंग एनी पर्टिकुलर उटन मोर एडवेंस तभी भी ऐसा होता है डेथ हो जाती है पार्टनर की या फिर इन सोलवेंट एडिकेट होता है तो ऐसे केस में भी बिना कोर्ट के ऑर्डर के फॉर्म को बंद किया जा सकता है लास्ट बट बाय नोटिस है ना सो पार्टनरशिप एट विल अगर है और नोटिस देकर अगर किसी पार्टनर को पार्टनरशिप से निकालना है तो वो निकाला जा सकता है अब कोर्ट को ऑर्डर देने की जरूरत कब पड़ती है अगर कोई भी पार्टनर इंसेन हो जाता है और इनसेननेस जो है वो पर्मानेंट है और दूसरे पार्टनर कंप्लेन कर रहे हैं किसी पार्टनर को परमानेंट इनकेपेबिलिटी हो जाती है इनकेपैसिटी हो जाती है टू एंटर इंटू एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और समथिंग एंड दैट हैज टू बी परमानेंट नॉट टेम्पररी अगर कोई पार्टनर मिसकंडक्ट करता है बार बार बोलने के बाद भी मिसकंडक्ट करता है और उसका एडवर्स इफेक्ट आ रहा है बिजनेस में तब कोर्ट का ऑर्डर ले सकते हैं हम लोग कोई पार्टनर बार बार कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है और फिर कोई पार्टनर उसके अगेंस्ट केस कर रहा है तभी भी डिसोल्यूशन पॉसिबल है जो होता है उसके अंदर ये ध्यान रखना है कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि भाई परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें क्या क्या है चोरी चकानी होल्डिंग कैश मोर देन एंड रिफ्यूजल टू शो अकाउंट ऐसी अगर कोई भी चीज कर ले तो डेफिनेटली कोर्ट में जाकर हम केस कर सकते हैं कि भाई वो पागल हो गया है चोरी ठीक है चोरी एम्बेजलमेंट हेरा फेरी नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट अगर कोई पार्टनर अपने बिना पार्टनर से पूछे किसी और पार्टनर को दे देता है तो या फिर अगर हो रहा और लग रहा है कि अब ये फर्म साथ में हम रहकर नहीं चला सकते या फिर ऐसा और कुछ मिलता है कोर्ट ऑर्डर दे सकती है पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए तो डिजोल्यूशन ऑफ फर्म म्यूचुअल एग्रीमेंट के हिसाब से हो सकता है कंपल्सरी डिजोल्यूशन हो सकता है और नोटिस से भी हो सकता है अगर कोर्ट का ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इंसैनिटी केस में मिलता है मिसकंडक्ट पे मिलता है परमानेंट इनकेपेसिटी में मिलता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कंटिन्यूस लॉसेस इन सब में वो कवर होगा समझ गए किसी को कोई तरह का डाउट अगर नहीं तो मैं चैप्टर के अब आखिरी सेगमेंट में मूव कर रही हूं कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ डिजोल्यूशन फॉर्म के डिजोल्यूशन के बाद क्या होता है नंबर वन पार्टनर्स ने अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया फर्म को डिजोल्व करने के बाद तो उसके बाद भी पार्टनर्स जो भी एक्टिविटी करेंगे उसके लिए बाकी के सारे पार्टनर्स लाइबल होंगे और फॉर्म के नाम से होगी सो बेसिकली सेक्शन नंबर थर्टी फाइव थर्ड पार्टी को बचाने के लिए बनाया गया है कि अगर तुमने डिजोल्यूशन का नोटिस नहीं दिया ना तो तुम सब एक दूसरे के लिए लाइबल हो और थर्ड पार्टी को तुम्हें चुकाना पड़ेगा एंड डेट बट फेल टू गिव पब्लिक नोटिस फॉर द डिजोल्यूशन अब इन्होंने क्या किया डिजोल्यूशन का डीट साइन कर दिया फॉर्म डिजोल्व कर दी बट ये नोटिस नहीं दे पाए अब इनके अलग होने के बाद जब ये दोनों पार्टनर्स नहीं रहे तब इसमें से एक पार्टनर ने फर्म के नाम से लोन ले लिया तो क्या अब उसके लिए दूसरा पार्टनर भी लाइबल है 100 है है ठीक बट अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती वो इंस्टॉलमेंट हो जाता है या डोमेंट पार्टनर है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा नेक्स्ट राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड आफ्टर रेजन हर एक पार्टनर को राइट right है कि वो अपने बिजनेस को वाइंड अप करवा सकता है बंद करवा सकता है रिजोल्यूशन के बाद एंड कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप ये कहता है कि वाइंडिंग अप के लिए पार्टनर्स की अथॉरिटी रहती है जब तक आप प्रॉपर लीगल वाइंड अप नहीं कराते और प्रॉपर लीगल वाइंड अप कहता है कि आपके वाइंडिंग अप प्रोसेस के बाद आपको इन्फॉर्म करना है रजिस्ट्रार को और सारी रिलेटेड पार्टीज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली सेटल होंगे लॉसेस और डेफिशियसी अगर है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगी और अगर सरप्लस है तो वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा यानी जो भी पैसे उसमें सबसे पहले क्या पे करेंगे सबसे पहले हम फर्म का डेट पे करेंगे फिर पे करेंगे हर एक पार्टनर का कैपिटल का शेयर हर एक पार्टनर का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का शेयर और अगर कुछ बच गया तो वो पार्टनर्स में हम आपस में बांट देंगे ठीक है सो बेसिकली सिग्निफिकेंस हमने देख लिया अगर डेफिशिएंसी है तो वो आपस में बांटेंगे अगर सरप्लस है तो आपस में बांटेंगे और उसका एग्जाम्पल एक है एक्स और वाई दो पार्टनर है एक का कैपिटल है सिक्स लाख सिक्सटी थाउजेंड दूसरे का फोर्टी थाउजेंड और फर्म के पास अब दो लाख रुपए बचे तो यहां दिख गई डेफिशियंसी पांच लाख की ये जो पांच लाख की डेफिशियसी है आपस में दोनों बांट लेंगे कि भाई ढाई ढाई लाख है तो टू लाख फिफ्टी थाउजेंड तुम लिया और टू लाख फिफ्टी थाउजेंड मैं लिया आता तो। हूँ वैसा पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड सेपरेट डेट्स ऑब्वियसली फर्म की प्रॉपर्टी से पहले फर्म के डेट्स पे होंगे और अगर फिर पैसे बच गए तो पार्टनर्स के पर्सनल डेट्स भी यहां पर पे हो सकते ओके <laughs> okay, अब होमवर्क सुन लो ध्यान से कल की क्लास से पहले आपको एक बार करना है मतलब एक बार गो थ्रू जरूर करना है ताकि कल जब हम लोग चार्ट बनाएंगे ना तब आपको मजा आए यार वो चार्ट बनाने में और अगर अभी तक आप लोगों ने एन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया यू नो यू नो माई कोर्स इट एन टेक इट टूडे कल का क्या भरोसा क्या हो जाए प्राइज में आज आपके पास एक्सटेंशन है आज आपके पास इतने सही अमाउंट में सब्सक्रिप्शन है सो मेक श्योर यू गेट योर सब्सक्रिप्शन डन टू डे इट्सल्फ ओके थैंक यू बाय बाय